हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोगों के फोर्थ सेम का एग्जाम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बिजनेस लेजिस्लेशन सब्जेक्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्रीमेंट वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे सालों के क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है इस पूरे बुक सब्जेक्ट का, जिसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको लिखना है। एग्रीमेंट जो रहता है वो बेसिकली ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कि रिटर्न हो, और एग्रीमेंट इतना ज़्यादा लीगल होता भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर एक बनता है पूरा दो पार्टीज़ के बीच में, जिन दोनों पार्टी एक्सेप्ट करती हैं, ऑफर करती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। इन सब के हम लोगों ने डिटेल वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली एग्रीमेंट वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बिटवीन भी आपको बुक में दिया गया है, आप डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। आप एग्रीमेंट समझा सकते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इसमें अलग अलग अपने पर्सन है जो ऑफर करता है, पर्सन है जो एक्सेप्ट करता है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या टूटता है। तो टूटता है जब कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किसकी गलती से टूटेगा, आप उन गलतियों की वजह से आप किस हद तक, मतलब किस कहाँ उसको पनिशमेंट के लिए ले जा सकते हैं, कौन सा कोर्ट रहता है, कंज्यूमर पीनल कोर्ट्स रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग लेबर के कोर्ट्स रहते हैं। तो बेसिकली ये पूरा इसमें आपको बताना है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती हैं, मतलब तोड़ देती हैं। जैसे अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ब्रीच की कैटेगरी में आ जाता है। अगर वो मैटर जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बना था, अगर वो ही किसी वजह से ख़त्म हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड पर आ जाता है। तो ऐसे कुछ कंडीशन है ब्रीच की, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। थर्ड क्वेश्चन आपका मर्जर एंड एक्विजिशंस। ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आता है ये वाला टॉपिक, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर मतलब जब दो कंपनी साथ में हो जाए और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें। इसका एग्जांपल हमारा है, हमारे पास है वोडाफोन आइडिया। और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, हमने उसको खरीद लिया है कंपनी को, ठीक है, मतलब अब वो कंपनी जो है हमारी बनकर रह गई है, उसमें दोनों कंपनीज का साथ में नाम नहीं आता, उसमें बेसिकली एक कंपनी होती है जिसने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया होता है दूसरी कंपनी को। मर्जर्स में वो रिसोर्सेज शेयर करके बिजनेस करते हैं, नाम दोनों का होता है, कस्टमर्स दोनों के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरे एसेट जो है वो दूसरी कंपनी उसकी खरीद लेती है। तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली पेटेंट, ट्रेडमार्क, जब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या हमारा बिजनेस जो है वो कॉपी ना हो पाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉपी ना हो पाए, हमारा जो प्रोसेस है वो कॉपी ना हो पाए, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल रहती हैं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या आईटी एक्ट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली कि कंपनीज आजकल जो है फॉलो करती हैं कि हम लोग ऐसे प्रोडक्शन करें कि को हार्म ना हो, ऐसी मशीन्स हम सेटअप करें अपने अपने फैक्ट्रीज में जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। जैसे आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आजकल बेसिकली नेचुरल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके। और आईटी एक्ट में आपका पूरा साइबर क्राइम ना हो, आपके पूरा जो डेटा है वो आपका कोई हैक ना कर पाए, आपके पास कस्टमर्स का इतना सारा डेटा रहता है वो हैक ना हो जाए, तो आईटी एक्ट में वो सारी चीज़ें रहेंगी। देन लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे वीडियोज़ में। कंज्यूमर्स के पास एक फोरम नहीं होता था पहले कि कहाँ जाकर वो कंप्लेन करें किसी को, अगर उनके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, तो वो एक्ट जो है ये कंज्यूमर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो अपने जो भी उनके साथ कोई चीटिंग होती है, कितने भी अमाउंट की चीटिंग होती है, वो जाकर सॉल्व हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस एक्ट का इंपॉर्टेंस पढ़ा था, हमने यहाँ पे 6 राइट्स पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें 3 टायर मशीनरी पढ़ा था कि अगर आपके साथ चीटिंग होती है जिसका अमाउंट 1 करोड़ के अंदर है, तो फिर आप किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएंगे। अगर आपका अमाउंट जो है वो 10 करोड़ तक जाता है, 1 करोड़ to 10 करोड़ के बीच में, तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन के पास। 10 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है तो आप जाएंगे नेशनल कमीशन के पास। अगर आप वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं, तो लास्ट जजमेंट किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखने हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों का 1986 वाला एक है जो पुराना है, और जो अपडेट हुआ है वो 2019 वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे डिटेल वीडियोस में। आप इन सबका डिटेल जो है वो हमारे इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आप जाकर हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।